रही है चिकन। देखो वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। लोगों की मैं नौकरी में बाहर आ गई, आज मैं जा रही हूँ अपने ऑफिस की कलीग्स में मिलने। तो मेट्रो से कर रही हूँ मैं पहुँचने वाली हूँ मेरे रिक्शा में। पता है कितना टाइम लगा आपके घर ढूंढने में? बहुत टाइम लगा। आइए शूज खोल देती हूँ यहाँ पे। बिल्कुल। चलो गाइस मैं आपको मैम का घर दिखाती हूँ। कौन सा रूम है ये? है बेडरूम, बट मैंने इसमें भगवान जी रखी है, काफी इनकी डेकोरेशन हुई है। सही है मैम। ये बैठने के लिए है, यहाँ पे आप सुबह चाय पी सकते हो, है ना? सीधा सनलाइट आती है। अभी फर्नीचर और लाने हैं। वैसे 2 BHK काफी सही है मेरे हिसाब से, ना? स्पेशियस है, वर्थ है। बेडरूम है, इसमें एक वॉशरूम है, ये भी देख सकते हो। अगर हम ये वॉशरूम है, ये भी है, ये भी है। दो तो वॉशरूम। अच्छा ये इसके साथ होगा। ये एक वॉशरूम है, ये भी मैम काफी अच्छा स्पेस है वैसे, है ना? बिल्कुल जैसा मेरा फ्लैट है वैसे ही। नहीं एकदम मुझे तो ऐसा लग रहा है ड्रीमी ड्रीमी सा, है ना? वर्थ है, वर्थ है ना? सही मिल गया मैम आपको। ये खिड़की है कौन सी? ये तुम्हारे सामने। अच्छा ये भी है, पर्दे के पीछे छुपी हुई है ये। पर्दे के पीछे इसको खोल के हम यहाँ पे ये मिरर है। ये है बालकनी जहाँ पे मैं कपड़े सुखाती हूँ अपनी। ये हो गया, वो हो गया, ये हॉल हो गया ना। हॉल यहाँ पे मैं डाइनिंग स्पेस रखूंगी, डाइनिंग टेबल भी ऑर्डर कर दिया मैंने, आ जाएगा। यहाँ पे पार्क है, है ना? बिल्कुल क्लीन। मैम बहुत अच्छा दे लिया आपने, बताया आपको, मतलब बिल्कुल फ्रेश एयर आएगी सुबह सुबह। हाँ। उससे तो मार्केट है, उससे तो बेटर ही है जो पहले था। बहुत ज्यादा यार, वो क्या था, वो कूड़ा था। और यहाँ पे पता है क्या, यहाँ पे सेपरेट सेपरेट है, मतलब एक जॉइंट नहीं है कुछ भी, मतलब वो ज्यादा करके गुंदा ना। हाँ दीदी पहले से ज्यादा थोड़ा। गाइस मैम बना रही है चिकन। देखो क्या आप रोटी खाएंगे या राइस खाएंगे? मैम रोटी रोटी खाएंगे। हम बनाते हैं रोटी, तब आप लोग भी बने रहेंगे। कितनी गोल गोल रोटी बना रही है मैम। एक दिन मैम मैं और आऊंगी, बिल्कुल उस दिन जल्दी आऊंगी मैं सुबह सुबह। घर एकदम सेट हो जाएगा ना। हाँ और फिर ना आज संडे था ना, तो सब लेट उठते हैं, आपको पता ही है घर पे, तो लेट हो गई मैं, नहीं तो मैं पहले ही आ जाती। बन गया है, बहुत टेस्टी लग रहा है रोस्टेड रोटी। आज हमने बहुत मजा करा और बहुत मजा आया,
थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच इतने बढ़िया खाने के लिए। आंटी के साथ आना, मम्मी को लेके। बहुत मजा आया, मैं अगली बार जरूर आऊंगी और अगली बार ना मैं बनाऊंगी खाना, ठीक है? बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच गाइज, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।